चलिए मैं दिखा देता हूँ मोगरा प्लांट में इसे कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको कुछ बनाना पीट लेने हैं और उनको सन ड्राई करना है। तो एक ट्रे ले लीजिए और उसमें आप डायरेक्ट सन के नीचे इनको रख दीजिए। नियरली 24 घंटे में ही ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। बस आपको एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करना है और इंडिविजुअल पील आपको ऐसे सेपरेट कर करके रखना है। एक दिन के बाद ही दोस्तों बनाना पील काफी ज्यादा ड्राई हो जाएगा और अगर आपके हाथों से वो ब्रेक डाउन हो रहा है कुछ इस तरीके से और कड़क कड़क आवाज आ रही है, इसका मतलब आपका पील रेडी है। चलिए इसको नेक्स्ट प्रोसेस पे ले आते हैं। अब बनाना पील फर्टिलाइजर दोस्तों ग्राइंड करना है, तो यहाँ पर इनके छोटे छोटे पीसेस में इनको हम तोड़ लेंगे और अपने ग्राइंडर में फिट करके ग्राइंड कर देंगे। और कम से कम दोस्तों हमें एक मिनट तक हमारे ग्राइंडर को चलाना है ताकि ये सॉफ्ट पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। फाइनली हमारा बनाना पील पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइजर रेडी हो चुका है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन फ्लावर बूस्टर है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 6 महीने है, तो 6 महीने तक आप इसको एक बाउल में इकट्ठा करके रखें और अपने प्लांट में एवरी 15 से 20 डेज में एक एक चम्मच डालते रहिए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे मोगरा प्लांट को आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है प्लांट। इसके अंदर न्यू ग्रोथ थोड़ी बहुत नजर आ रही है बट ये ग्रोथ कोई ग्रोथ नहीं होती है, ना ही कोई पत्ती है ना ही कोई फूल है। तो चलिए दोस्तों प्लांट को एक्टिवेट करते हैं फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पर आपको करनी होगी प्लांट की प्रूनिंग। अब यहाँ पर प्रूनिंग से क्या होगा, एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा और प्लांट को पता चलेगा हाँ भाई मेरी प्रूनिंग हुई है, तो यहाँ पर मुझे और ज्यादा पत्तियां निकालनी है। और पत्ती जैसे ही निकलेगी, न्यू ग्रोथ जैसे ही मोगरा प्लांट पर आती है, डेफिनेटली आपको वो फ्लावरिंग से भर देगी। प्रूनिंग में दोस्तों हार्ड प्रूनिंग करेंगे, यहाँ पर छोटी छोटी सारी ब्रांचेस कट कर देंगे और मेन ब्रांच को ही रखेंगे और बिल्कुल जितने भी ग्रोथ वाली ब्रांचेस आपको नजर आ रही है उनको बिल्कुल भी काटना नहीं है, क्योंकि उन्हीं में सबसे ज्यादा आपको पहले फ्लावर नजर आएगा। 8 से 10 डेज में ही दोस्तों आपको नजर आता है कि आपका मोगरा प्लांट काफी ज्यादा हेल्दी हो चुका है, सारी न्यू ग्रोथ है और सारी न्यू ग्रोथ के अंदर आपको बहुत सारी कलियां मिलने वाली है। यहाँ पर आप देखें हमारी कलियां बनना स्टार्ट भी हो गई है। अब यहाँ पर दोस्तों इसको एक ऐसा फर्टिलाइजर देना है जो इसको बिना सॉइल की गुदाई करे ही बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दे, और उस फर्टिलाइजर का नाम है दोस्तों बायो एंजाइम, जो इसको हेल्दी रखता है और प्लांट के अंदर फ्लावर बूस्टर भी होता है। आप फ्रूट्स में भी इसको यूज कर सकते हैं और ये नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट भी है, मतलब प्लांट के ऊपर स्प्रे करिए तो पेस्ट अटैक भी नहीं होगा। हमारे बायोएंजाइम को देने का तरीका आप देख लिए, कम से कम आपको 10 से 20 ml लेना है और आपको 1 से 2 लीटर वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करके आपके प्लांट्स की जड़ों में डालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कम से कम 20 ml ले लेते हैं। इसकी स्मेल बहुत तेज होती है तो आपको एक्स्ट्रा केयर रखनी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों 20 ml लेना है हमें 2 लीटर वाटर में और आपको देने का तरीका ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हमने सॉइल की गुदाई नहीं करी है बट कि एक शार्प टूल लिया है और अपने प्लांट की जड़ों में कम से कम 5 से 10 इंचेस डीप होल करेंगे और उसमें आप अपने इस लिक्विड फर्टिलाइजर को डालेंगे। इन होल्स को करने से एक बेनिफिट मिलता है कि अंदर की जो फाइब्रस रूट्स होती है उनके पास न्यूट्रिशन बहुत जल्दी पहुंचता है। हमारा ये बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइजर दोस्तों इंस्टेंट बूस्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है, सॉइल की क्वालिटी बढ़ाता है और प्लांट के ओवरऑल न्यूट्रिशन वैल्यू को इनटेक करने में मदद करता है। और देना भी बहुत आसान है, बनाना भी बहुत आसान है। चलिए सीख लेते हैं किस तरह से बनता है, बट पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि हमारा इसका रिजल्ट कैसा रहा। मतलब आपको ये तभी देना है जब आपके प्लांट फ्लावरिंग जस्ट स्टार्ट करने वाले हो, फ्रूटिंग जस्ट स्टार्ट करने वाले हो। वेजिटेबल प्लांट्स पर भी ये यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखो अभी तक का बेस्ट रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर ब्रांच पर फ्लावर है और एक फ्लावर नहीं है, कम से कम 3-3 फ्लावर का पूरा एक ग्रुप है। वाओ। बायोएंजाइम बनाने के लिए आपको एक प्लास्टिक की बॉटल और बनाना पील, क्योंकि हम बना रहे हैं बनाना पील का बायोएंजाइम, तो यहाँ पर आपको बनाना पील लेना है और इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो आप कैंची की मदद से इसको कट कर दीजिए। तो ये हमारे केले के छिलके रेडी है इस बॉटल में जाने के लिए। ठीक है, अभी एक और इंग्रेडिएंट्स है जो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अब ये दोस्तों हमारे बनाना पील रेडी है। मैं एक्चुअल अमाउंट कितना यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका गुड़। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैगरी बोलते हैं इसको। तो आपको 3 पार्ट यूज़ करना है, आपका जो भी बनाना पील या फिर ऑरेंज पील यूज़ कर रहे हैं, 1 पार्ट आपको यूज़ करना है गुड़। जितनी भी माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी ये बहुत ज़्यादा फास्ट करेगा और हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा इसको यूज़ करने से। ठीक है, तो 1 पार्ट हमने गुड़ डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 10 पार्ट वाटर। फाइनली वाटर डालने के बाद आपको इसे पैक करना है और एक बार आप इसको शेक कर दीजिए। ठीक है, 60 से 90 डेज के बाद आपका बनाना पील कुछ इस तरीके से नजर आएगा और ये आपका बायोएंजाइम रेडी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 4 फिंगर के आसपास की स्पेस हमेशा खाली रहनी चाहिए। और वो क्यों रहनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी गैस डेवलप होती है। तो आपको फर्स्ट 30 डेज तक रोज़ बॉटल कैप खोलनी है, रोज़ बॉटल कैप बंद करनी है, रोज़ बॉटल कैप खोलनी है बंद करनी है। इससे जितनी भी एक्स्ट्रा गैस होगी वो निकल जाएगी और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बॉटल फटने के चांसेस हो सकते हैं। इस बायोएंजाइम की बॉटल को रखना कहाँ है, ऐसी जगह रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, डायरेक्ट ब्राइट लाइट ना आती हो, मतलब आपको छाया या फिर आपकी सीढ़ियों में या फिर बालकनी में ऐसी जगह रखना है जहाँ पर अंधेरा रहता हो,
मनी प्लांट के पीछे भी आप इसको रख सकते हैं। तो कुछ देर के लिए इसको साइड में रखते हैं और हम ले लेते हैं थोड़ा सा बायो एंजाइम जो हम यूज़ करने वाले हैं। अगर स्प्रे बॉटल में यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली मत यूज़ करिएगा, और अगर आपको डायरेक्टली प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह से भर सकते हैं। देखिए कितना गाढ़ा लिक्विड हो चुका है ये दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। चलिए हम 5 लीटर ऑफ वाटर में मिला देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करिए। आप चाहे तो इसको ओवरनाइट रखेंगे तो इसका रिजल्ट और ज़्यादा बेटर मिलेगा, बट आपको यूज़ कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। आप ओवरनाइट रख के ही इसको यूज़ करना। ये हमारे टमाटो के प्लांट्स है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टमेटोज आ रहे हैं, पत्तियों के बीच में छुपे हुए हैं, बट इनके ऊपर काफ़ी सारे अटैक होते हैं। तो आप पूरे प्लांट को इस वाटर से निला दीजिए तो ये इंसेक्टिसाइड्स का काम करेगा। बोगनविलिया भी साल में 8 से 9 महीने फ्लावरिंग करता रहता है, तो इसके सॉइल के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटीज बढ़ानी होगी। तो यहाँ पर इसकी सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम यहाँ पर सेम फर्टिलाइजर बायोएंजाइम का यूज़ करेंगे, बनाना पील बायोएंजाइम। तो डेफिनेटली इस फर्टिलाइजर को आप बनाइए अपने घर में और हर प्लांट पर फ्लावरिंग का आप नेक्स्ट लेवल का कलर देखेंगे। एंड इसका रिजल्ट हमारे मोगरा प्लांट के ऊपर भी आ चुका है। यहाँ पर इसकी जो कलियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो रही है, बड़ी होती जा रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा प्लांट कलियों से भर चुका है। बस एक दिन का और इंतज़ार और ये खिलना स्टार्ट हो जाएगी। पूरा प्लांट फ्लावरों से भरा हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है मोगरा। अब यहाँ पर दोस्तों मोगरा प्लांट की खास बात यह है कि ये एक बार नहीं बार बार फ्लावरिंग देता है। जब तक गर्मियों का सीजन रहेगा बरसात के एंड होने तक ये कंटिन्यूसली फ्लावर देता रहेगा। उसके लिए दोस्तों जो हमारा पहले जो फर्टिलाइजर बनाया था उसका देना ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं वो कैसे देना है। अब यहाँ पर देखिए पूरा प्लांट हमारा फ्लावर से भरा हुआ है, कितने सारे नीचे गिर गए हैं। तो चलिए इनको थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लेते हैं जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया है। Day 3 और यहाँ पर मोगरा प्लांट कंटिन्यूसली फ्लावर दे रहा है और ये दोस्तों नियरली कम से कम 15 दिन तक ऐसा ही फ्लावर देता रहेगा अगर सही फर्टिलाइजर, सही सनलाइट, सही पानी मिले। तो यहाँ पर सनलाइट कितनी मिलनी चाहिए अपने मोगरा प्लांट को? तो दोस्तों हमारा मोगरा प्लांट फुल डे ऑफ सनलाइट सन लविंग प्लांट है, तो यहाँ पर आपके मोगरा प्लांट को फुल डे ऑफ सनलाइट देंगे तो ये उतना ही ज़्यादा आपको फ्लावरिंग देगा। और पानी आपको डेली बेसिस पर डालना है क्योंकि आपका पौधा दिन भर सनलाइट में रहे, तो इसको डेली शाम को आपको पानी डालना है। मोगरा हमारा 6 महीने तक फूल देता रहे इसलिए दोस्तों हमें एक सॉलिड फर्टिलाइजर डालना जरूरी है, जो हमने स्टार्टिंग में बना तो दिया था बट आपको सिखाया नहीं था कैसे डालना है। तो यहाँ पर हम सॉइल की थोड़ी सी साफ सफाई करेंगे, सॉइल की हल्की सी गुदाई करेंगे और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हमने प्लांट को बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं कराया, क्योंकि 2 साल तक आप अगर प्लांट को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो भी चलता है। ये है दोस्तों हमारा वेरी पावरफुल बनाना पील पाउडर। यहाँ पर इसको हम 12 इंच के गमले में कम से कम 3 चम्मच देंगे और ये स्टार्टिंग में 3 चम्मच देंगे, बट नेक्स्ट डोज जो देंगे ना वो 20 दिन के बाद उसमें सिर्फ 2 चम्मच देंगे। 2 इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होने की वजह से है ये बहुत ही कारगर फर्टिलाइजर है, फॉस्फोरस और पोटेशियम। फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूट्स ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए। पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट को डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, उनके अंदर रेजिस्टेंस लाने के लिए, वाटर सप्लाई इनटेक करने के लिए और ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फर्टिलाइजर को डालने के बाद डेफिनेटली मोगरा आपके 6 महीने तक फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग देता रहेगा। एंड रिजल्ट आपके सामने है, 4th दिन है और ये हमारा मोगरा कंटिन्यूसली फ्लावर देता रहता है। अब यहाँ पर हमें कलेक्ट करने में भी मजा आने लग गया क्योंकि अब धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। नंबर 3 बनाना लिक्विड फर्टिलाइजर, और ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत फास्ट भी बन जाता है और प्लांट के लिए तो ये एफिशिएंट है ही है। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए आप 2 बनाना पील लीजिए और उसके छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए ताकि ये वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो सके। अब एक छोटा सा बाउल ले लीजिए और उसमें पानी भर के अपने बनाना पील मतलब केले के छिलके डाल दीजिए। इससे दोस्तों केले के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और वो हम डायरेक्टली प्लांट में डाल सकते हैं। नियरली 1 दिन के बाद आपको लगेगा आपके केले के छिलके का पानी खराब हो गया है, बट दोस्तों यही तो अमृत है। एक्चुअल में ये बहुत सारे इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे हमारे पील के अंदर वो सारे वाटर के अंदर डिजोल्व हो गए हैं और वो रेडी है प्लांट में डालने के लिए। अब इसको आप डायरेक्टली अपने प्लांट में डाल दीजिए, इसको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। इन छिलकों को यहाँ से हटा देना क्योंकि ये फंगस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरा तो रिजल्ट दोस्तों 100% परफेक्ट आया है क्योंकि हम हमेशा एक करेक्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं मोगरा प्लांट पर, और आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही यूज़ करना है जैसे मैंने यूज़ करा है। आप तीनों में से कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ करें आपको रिजल्ट 100% बहुत परफेक्ट मिलेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है आपके मोगरा प्लांट की रूट्स टूटनी नहीं चाहिए और फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
ये दोस्तों हम चौथी बार फ्लावर कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमें कम से कम 10 से 20 फ्लावर इजीली मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इन फर्टिलाइजर को यूज करना है सही तरीके से। चलिए एक और तरीका बताता हूँ, बट ये थोड़ा सा हो जाएगा ट्रिकी क्योंकि आप कहेंगे इसमें फंगस लग जाएगी, चींटी आ जाएगी, बट दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि सॉइल जो होती है ना वो हमेशा अपने आप में सबको समा देती है और फटाफट डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नंबर 4 है डायरेक्टली गिविंग बनाना पील इन द सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर हम गमले के अंदर डायरेक्टली बनाना पील के छिलके, केले के छिलके डाल देंगे और ये डिकम्पोज होते रहेंगे और न्यूट्रिशन अपने प्लांट को देते रहेंगे। इसमें बहुत सिंपल तरीका होता है दोस्तों, आप कम से कम एक कोने में से 5 इंचेस की सॉइल निकालनी होगी और आपके केले का छिलका उसमें दबा के ऊपर से मिट्टी डालनी होगी, और आप एक बड़े गमले में 2 केले के छिलके यूज़ कर सकते हैं और छोटे गमले में 1 सिंगल केले का छिलका यूज़ करिएगा। अब इसमें खास बात यह है कि आपको ये फर्टिलाइज़र या फिर ये तरीका आप उन्हीं प्लांट के लिए यूज़ करना जो प्लांट आपके फुल डे ऑफ सनलाइट में रहते हो, और आपको फंगस का डर है तो 1 चम्मच आप इसमें फंगीसाइड डाल सकते हैं। आउटडोर कंडीशन में ये 2 से 3 दिन में ही पूरे ब्लैक हो जाएंगे, सूख जाएंगे और प्लांट इनको एब्जॉर्ब करने भी लग जाएगा कम से कम 7 दिन।